हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर नाइन स्पोर्ट्स एट स्पार्कल स्कूल नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी टेक द क्वालिटीज दैट यू थिंक मेक अ गुड प्लेयर अभी कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं तो एक गुड प्लेयर की का कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए वो आपको यहाँ टिक करनी है, है ना जैसे कि वो हेल्दी होना चाहिए है ना लेजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो जो क्वालिटीज आपको लगती हैं आपको उनको टिक करना है ओके लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एन एक्साइटिंग डे फॉर एंड रे दो बच्चे हैं एमी और रे उन दोनों के लिए काफी एक्साइटिंग डे था फर्स्ट नवंबर वाला है ना दे हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे इस दिन का इट वॉज देयर एनुअल स्पोर्ट्स डे क्योंकि उस दिन क्या था उस दिन उनके स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे दे था देर वॉज गेम्स टू प्ले रेसिस टू रन एंड प्राइजेस टू विन काफ़ी सारी गेम्स थे खेलने के लिए उस स्पोर्ट्स डे में रेसिस थीं जिसमें बच्चे दौड़ते हैं और काफ़ी सारे प्राइज़ेस भी थे जीतने के लिए द प्ले ग्राउंड ऑफ स्पार्कल प्राइमरी स्कूल लुकड ब्राइट एंड कलरफुल तो स्पार्कल प्राइमरी स्कूल का जो प्ले ग्राउंड था काफ़ी शानदार ब्राइट और कलरफुल रंग बिरंगा दिखाई दे रहा था उस दिन क्यों द टेंट्स फॉर चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स वर लगाए गए थे बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स के लिए वो काफी रंग बिरंगे बैलून से डेकोरेट किए गए थे ऑल द चिल्ड्रन लुक स्मार्ट इन देयर वाइट यूनिफॉर्म्स विद कलर्ड रिबन्स सभी बच्चों ने वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और कलर रिबन लगाए हुए थे अपने इट वॉज टाइम फॉर द गेम्स टू बिगिन अब ये टाइम आ गया था कि जब गेम्स शुरू होने थे सिक्स चिल्ड्रन टुक देयर प्लेसेस फॉर द लाइम एंड स्पून रेस लाइम एंड स्पून रेस आपने अपने स्कूल में भी खेला है ना एक स्पून के अंदर हम लेमन रखते हैं और फिर दौड़ लगाते हैं कि वो लेमन गिरने ना गिरना नहीं चाहिए और जो सबसे आगे निकलता है वो विनर होता है तो सिक्स स्टूडेंट्स वहाँ पर लाइन अप हो गए इस गेम के लिए द रेस स्टार्टेड रेस शुरू होती है द पेरेंट्स एंड अदर चिल्ड्रेन चीय एंड क्लाउडली फॉर द रनर्स वहां बच्चे आए हुए थे उनके पेरेंट्स आए हुए थे वो काफी आ, सभी की ताली बजा कर सबका हौसला बढ़ाते हैं है न रनर्स का देन इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर द सैक रेस उसके बाद सैक रेस का टाइम आता सैक रेस आपको पता है ना एक सैक होता है बोरा जिसके अंदर बच्चे अंदर घुसकर उसको हॉप करते हुए जंप करते हुए और रेस लगाते हैं तो एमी एंड रे गॉट अप टू टेक देयर प्लेसेस ऑन द रनिंग ट्रैक तो जो एमी और रे जो बच्चे थे दोनों रनिंग ट्रैक पर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं रेस करने के लिए बट रे कुड नॉट फाइंड हिज सैक एनी वेयर लेकिन रे को उसका सैक नहीं मिलता जिसके अंदर उसको रेस करनी थी एमी रेन टू मिस अजमी एक मैम थी उनकी मिस अजमी एम ही उनके पास दौड़कर जाती है रे कांट फाइंड हिज सैक मैम हाउ विल ही हॉप विदाउट इट वो बोलती है रे को उसका सैक नहीं मिला मैम वो उसके बिना कैसे हॉप करेगा हॉप यानी जंप करना देन रे केम रनिंग टू मिस आजमी फिर रे भी दौड़ता हुआ आता है मिस आजमी के पास मैम लुक देयर कि मैम वहां देखिए दोज पपीज आर प्लेइंग विद माई सैक कि मेरे बोरे के साथ वो पपीज हैं वहां पर पिल्ले हैं वो खेल रहे हैं दे हैव मेड इट डर्टी उन्होंने वो बहुत गंदा कर दिया है मैम प्लीज हेल्प मी आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस रेस सैड रे रे ने बोला मैम प्लीज मेरी हेल्प की हेल्प uh, कीजिए मैं भी इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं वील गेट अ सैक फ्रॉम द स्कूल कैंटीन मिस आजमी सैड मिस आजमी ने कहा कोई बात नहीं हम आपके लिए एक नया जो बोरा होता है वो मंगा लेते हैं स्कूल के कैंटीन में से शी कॉल्ड हरीश द स्पोर्ट्स असिस्टेंट तो जो स्पोर्ट्स खेलों के लिए असिस्टेंट होते हैं मिस मिस्टर uh, हरीश उनको बुलाते हैं है वो हरीश गेट अ गैग फ्रॉम द कैंटीन कम बैक क्विकली तो बोलती हैं कैंटीन जाओ और वहाँ से एक सेग लेकर आओ एक बोरा लेकर आओ इनके लिए और जल्दी वापस आना सो हरीश रैन टू द कैंटीन पिक अ अग एंड रस्ड बैक तो हरीश जाते हैं कैंटीन वहां से एक बोरा लेते हैं सैक लेते हैं और वापस आ जाते हैं ही वॉज जस्ट इन टाइम वो बिल्कुल ठीक समय पर वापस आ जाते हैं सैक रेस वॉज अबाउट टू बिगिन जो सैक रेस बोरे, जो बोरे वाली रेस थी वो उस समय शुरू होने वाली थी रे क्विकली गॉट इन टू सैक एंड his पोजिशन रे जल्दी से अपने सैक के अंदर जाता है और अपनी पोजिशन ले लेता है एज द रेस स्टार्टेड शाउटेड जैसे कैसे रेसू होती है तभी कोई चिल्लाता है हे ब्राउन बेयर्स फास्टर तो जो ऑडियंस थी यानी कि जो पेरेंट्स आए हुए थे और बाकी सब बच्चे थे उनमें से कोई एक बोलता है के ब्राउन बेयर्स क्योंकि वो भालू की तरह एक दिखाई दे रहे थे सैक का कलर तो आपको पता है ब्राउन कलर होता है तो वो बोले थे हे ब्राउन बेयर के भूरे रंग के भालू इस तरह से देख रहे थे बच्चे कि होप फास्टर कि आप और तेजी से होप करिए होप यानी उछलिए जंप करिए तो ये बात सुनकर सभी लोग हंसते हैं द चिल्ड्रन लुक लाइक टेडी बेयर्स इन देयर ब्राउन सैक्स क्योंकि जो ब्राउन कलर के सभी के सैक थे बोरे थे उनमें सारे बच्चे टेडी बियर की तरह दिखाई दे रहे थे इसलिए किसी ने ऐसा बोला कि हे ब्राउन बेयर्स हॉफ फास्टर है ना सडनली रे स्क्रीम्ड अचानक से रे चिल्लाता है अ रैट देयर इज रैट इन माय सैक अरे एक चूहा है मेरे बोरे में तो आउट ऑफ इट वो अपने बोरे को जम्प कर देता है बाहर. तो me, जो है, वो विसल बजाती है, सीटी बजाती सीटी थी बजा ताकि रेस वहीं रुक जाए साइलेंस सब लोग शांत हो जाते हैं खामोशी छा जाती है हरीश क्विकली सैक एंड चैक केयरफुली तो जो हरीश जो आपके स्पोर्ट्स असिस्टेंट थे Uh, वो देखते हैं उस शैक uh, को उठाते हैं और उसको चेक करते हैं ठीक से देन ही बर्स्ट आउट लाफिंग और वो ठाका मार के फिर हंसने लगते हैं ही टर्न दाइड डाउन एंड आउट फेल थ्री स्मॉल पर्पल ब्रिंजल वो उस सैक को बोरे को ऐसे उल्टा पलट देते हैं जमीन पर तो उसमें से तीन छोटे छोटे ब्रिंजल्स पर्पल -पर कलर के ब्रिंजल्स निकलते हैं बैंगन एवरीवन लाफ लाउडली सभी लोग बहुत तेजी से हंसते हैं एंड द रेस बेगेन

और उनके सामने गाने लगते हैं रेसेस एंड गेम्स आर ट्रूली फन द इम्पोर्टेंट थिंग इज एवरी वन वन यानी रेसेस और गेम्स जो है ये वास्तव में ट्रूली फन होता है इनके अंदर सच्चा आ, फन होता है और ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सभी लोग विजेता होते हैं ये नहीं है कि कोई फर्स्ट सेकेंड आ गया तो वही विजेता माना जाएगा जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी एक तरह से विनर माने जाते हैं दो सम कम फर्स्ट एंड सम कम लास्ट हालांकि कोई फर्स्ट आता है कोई लास्ट आता है ऑल द चिल्ड्रन हैव अ ब्लास्ट लेकिन सभी चिल्ड्रन के पास एक अजीब शक्ति है उस खेल में पार्टिसिपेट करने की जीतने की सो बी हैप्पी विद योर प्राइस तो अपने-अपने प्राइस के साथ आपको हैप्पी रहना चाहिए आप हैप्पी रहिए चाहे आपको कोई भी पोजीशन मिली हो यू हैव गॉट इट फॉर ऑल यू ट्राइज क्योंकि आपको ये इसलिए मिला है क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई किया इसीलिए आपको कभी भी स्पोर्ट्स में गेम्स में अगर कभी विनर आप नहीं होते हैं हार जाते हैं तो भी आप ये मत सोचिए कि आप हारे हैं आप ये समझिए कि आपने पार्टिसिपेट किया तो आप उन सभी बच्चों से विनर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश तक नहीं की ऑन द वे होम एम ई एंड रे सैड वॉट फन इट वॉज वी शुड हैव स्पोर्ट्स डे एवरी मंथ जब घर जा रहे होते हैं वापस एम ई रे तो रास्ते में बोलते हैं कि अरे आज तो बहुत मजा आया आ, हम लोगों को तो इस तरह के स्पोर्ट्स डे तो हर मंथ होने चाहिए ना वॉट दैट्स अ गुड आइडिया इजेंट इट और ये भी एक अच्छा आइडिया है क्या आपको नहीं लगता है ना आप भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं पार्टिसिपेट करिए जीतना हारना ये बात की बात है ज़रूरी नहीं है कि जो विनर आएगा वही एक अच्छा खिलाड़ी है एक दिन आप भी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो अगर आपको पोजीशन नहीं भी मिलती है तो भी लेकिन आपको कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए ओके सो दिस वॉज योर चैप्टर बेटा वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अदर टॉपिक टिल देन बाय बाय टेक केयर